कि माँ जो है सब कुछ अच्छा करे और हम लोग को जीवन में जो खुशहाली रहे। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। पहले दिन देवी माँ शैलपुत्री स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दे रही हैं। नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज में शक्तिपीठ अलोप शंकरी मंदिर समेत तमाम दूसरे देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। माता रानी के दर्शन पूजन का ये सिलसिला आधी रात के बाद से ही शुरू हो गया। शक्तिपीठ अलोप शंकरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है कि वहां पर तिल रखने भर की जगह नहीं है। मंदिर परिसर के साथ ही बाहर सड़कों तक लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। अलोप शंकरी एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी मां की कोई मूर्ति नहीं है और यहां श्रद्धालु सिर्फ एक पालने का दर्शन कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन आज अलोप शक्तिपीठ के गर्भगृह को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। 2 साल के बाद यह पहला मौका है जब श्रद्धालु सामान्य रूप से दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। 2 सालों तक कोरोना वायरस की वजह से मंदिर में गर्भगृह बंद रहता था। श्रद्धालुओं ने माता रानी से प्रार्थना की है कि देश की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो, साथ ही उनको रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई से भी जनता को जल्द से जल्द निजात मिल सके। पित करके जो है माँ के दरबार में चरण स्पर्श करके ये मतलब संकल्प लिया कि माँ जो है सब कुछ अच्छा करे और हम लोग को जीवन में जो खुशहाली लाए, और विशेष तौर पे यूथ के लिए हमने कामना की है कि सबको रोजगार मिल जाए, क्योंकि इस समय हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा समस्या रोजगार का है। मैंने यही पूजा अर्चना किया कि माता रानी हम लोगों को रोजगार दें और एक आने वाले समय में संसार में सब लोग सुख समृद्धि से रहें, प्रेम भावना की एक मिसाल कायम हो, जिससे पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में एक नए युवाओं के लिए एक नया अवसर प्रदान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।